जब वॉस पेपर्स बन जाएंगे तो। दानिया प्रेस से या इस केस से छुपकर इस अस्पताल में चाह रही हूँ। अस्पताल में नहीं, अपना इलाज करवाने आ रही हूँ। और सबसे अनफॉर्चुनेट बात तो ये नहीं हूँ मैं जो तुम्हारे पीछे अपनी पूरी जिंदगी रोते हुए गुजार दूँ। अनफॉर्चुनेट बात तो ये है कि ये बीमारी उनको खुद लगी नहीं है, लगाई गई है। मैं चाहती हूँ कि आप डॉक्टर हसन को कहीं का नहीं छोड़े। अनफॉर्चुनेट बात तो ये है कि ये बीमारी उनको खुद लगी नहीं है, लगाई गई है। डॉक्टर हसन दानिया की बीमारी के बारे में सारी सच्चाई प्रेस को बता देता है कि दानिया प्रेस या किसी केस से नहीं बल्कि अपनी बीमारी की वजह से यहाँ आए। और ताजुब की बात यह है कि ये बीमारी उनको जबरदस्ती लगाई गई है। डॉक्टर हसन के बयान के बाद शाहाना को लगता है कि उसका बांडा फूटने वाला है, इसलिए वो अपने खास बंदे से कहते हैं कि डॉक्टर हसन का मुंह बंद करो और उसका इतना बदनाम करो किसी को मुंह दिखाने काबिल ना। किम भी अपने आपे से बाहर, जहाँ शेरोज उसको थप्पड़ मारता है वहीं किम भी शेरोज को मुंह पे एक जोरदार तमाशा मारती है कि मैं दानिया नहीं हूँ कि सारी जिंदगी तुम्हारे पीछे आंसू बहाती रहूं। घर छोड़कर जाने के वक्त ही वो शाहाना और शेरोज से कहते हैं अगर मुझे या मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो तुम लोगों की रही सही सियासत को भी मैं मिट्टी में मिला दूं। और वो शेरोज से कहते हैं कि तलाकनामे के पेपर तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएंगे। शाहाना की मुश्किलात में मजीद इजाफा होना है क्योंकि